हेलो स्टूडेंट्स, मैं कंचन कुमारी महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज का यह वीडियो क्लास वन विषय हिंदी व्याकरण पढ़े हुए पाठों के पुनरावृत्ति व्याकरण से है। बच्चों, भाषा किसे कहते हैं? तो हम लोग क्या लिखेंगे? आपस में बातचीत करने की माध्यम को भाषा कहते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं। भाषा कितने रूप होते हैं? दो, मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा बोले हुए को सुनकर समझना मौखिक भाषा कहलाती है, जैसे रेडियो सुनना आदि। लिखित भाषा लिखे हुए को पढ़ के समझना लिखित भाषा कहलाती है, जैसे अखबार पढ़ना। बच्चों, भाषा कितने रूप होते हैं? दो, मौखिक भाषा और लिखित भाषा, जिसमें बोले हुए को सुनकर अगर समझा जाए तो मौखिक भाषा कहलाती है, और लिखे हुए को अगर पढ़ के समझा जाए वो लिखित भाषा कहलाती है। उसके बाद वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं? आपसे कोई पूछेगा वर्ण किसे कहते हैं, या वर्ण की परिभाषा लिखे, तो आप क्या लिखिएगा? वर्ण की परिभाषा में भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। उसके बाद वर्णमाला। आपको पूछेंगे कोई वर्णमाला किसे कहते हैं, या वर्णमाला की परिभाषा लिखे, तो आप क्या लिखिएगा? वर्णों के निश्चित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। निश्चित क्रम आप समझे कैसे होगा? जैसे अ के बाद आ, आ के बाद हर्ष ई, हर्ष ई के बाद दीर्घ ई, उसके बाद हर्ष उ फिर दीर्घ उ, इस तरह क्रम के रूप में लिखना, वही वर्णमाला कहलाते हैं। जैसे तो क्या कहेंगे? वर्णों के निश्चित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। अब आपसे कोई पूछेगा वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, आप क्या लिखिएगा? वर्ण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो लिखिएगा स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? दो। कौन कौन? तो स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। बच्चों, आप जानते हैं स्वर वर्ण 11 और व्यंजन वर्ण 33 होते हैं। कितने होते हैं स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण? स्वर वर्ण 11 और व्यंजन वर्ण 33 होते हैं। उसके बाद मात्रा। मात्रा किसे कहते हैं, या मात्रा की परिभाषा लिखे, तो आप लिखिएगा स्वरों के बदले हुए रूप को मात्रा कहते हैं। क्या लिखिएगा? स्वरों के बदले हुए रूप को मात्रा कहते हैं। आप लोगों को बताए हैं स्वर 1100 जो स्वर होते हैं ना, उस सब का जो अपना चिन्ह होता है उसे ही मात्रा कहते हैं। तो ओ का तो कोई मात्रा होता नहीं है, आ से लेकर ओ तक का जो चिन्ह होता है उसे ही क्या कहते हैं? मात्रा। अब शब्द। वर्णों के अर्थपूर्ण मेल को शब्द कहते हैं। अर्थपूर्ण मेल आप समझते ही हैं, जिसका कुछ अर्थ हो। तो परिभाषा अब हम क्या लिखेंगे? वर्णों के अर्थपूर्ण मेल को शब्द कहते हैं, जैसे अमर, सीता, गीता, रीता आदि। अब वाक्य। शब्दों के अर्थपूर्ण मेल को वाक्य कहते हैं। बच्चों, जैसे वर्णों के अर्थपूर्ण मेल को शब्द कहते हैं, वैसे ही शब्दों के अर्थपूर्ण मेल को वाक्य कहते हैं। जैसे राम जाता है। उसके बाद लिंग। लिंग किसे कहते हैं, या लिंग की परिभाषा लिखे, तो आप क्या लिखिएगा? स्त्री या पुरुष जाति के बोध कराने वाले शब्द को लिंग कहते हैं। लिंग किसे कहते हैं? स्त्री या पुरुष जाति के बोध कराने वाले शब्द को लिंग कहते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं। आप कोई पूछेगा लिंग कितने प्रकार के होते हैं, आप क्या कहिएगा? लिंग दो प्रकार के होते हैं। कोई पूछेगा कौन कौन, आप लिखिए बताइएगा स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। बच्चों, उसके बाद संज्ञा। नाम वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। दुनिया में जितने नाम वाले शब्द हैं ना, सब क्या है? संज्ञा है।
जैसे सीता, सीता एक लड़की की नाम है, वो क्या हो गया संज्ञा। गीता जैसे सुहन, मोहन, अमर, दिल्ली, दरभंगा आदि, ये जितने नाम है सब क्या है संज्ञा है। चाहे व्यक्ति के नाम बोलो, वस्तु का नाम बताओ, या दिनों के नाम, या महीनों के नाम, बच्चों अर्थात जितने भी दुनिया में नाम है सबको हम क्या कहेंगे संज्ञा। तो बच्चों मैं आशा करती हूँ आप लोग ये परिभाषा समझ गए होंगे, और जैसे हम इस कॉपी में लिखे हुए हैं वैसे आप लोग भी इस परिभाषा को कॉपी में लिख लीजिएगा, क्योंकि अगर कहीं बाय चांस आप लोग भूल जाइएगा तो ये पढ़ कॉपी में लिखा रहेगा, उसे पढ़कर आप लोग को फिर से समझ जाएंगे या भूले हुए चीज आप लोगों को फिर से याद आ जाएगा। इसलिए बच्चों इस सारे परिभाषाओं को आप अपने कॉपी में, नोटबुक में जरूर लिख लीजिएगा। मैं आशा करती हूँ आप लोग ये परिभाषाएं अपने नोटबुक में जरूर कॉपी कर लेंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।